अब देखिए अगला थ्योरम जो है ना बेटा, ये वैरिंग उसका ही भाई है सिर्फ बाहर से, ठीक है, एक्सटर्नली जो है ना वो एक्सटर्नल डिवीजन होगा इस पर, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला फॉर द एक्सटर्नल डिवीजन, फॉर द एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है, ए एंड बी विद एनी टू पॉइंट इन द स्पेस एंड आर बार विद द थर्ड पॉइंट ऑन द लाइन ए बी डिवाइडिंग द सेगमेंट ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो एम स्क्वायर, एक्सटर्नली है इस बार एक्सटर्नली, थोड़ा सा ध्यान देना, मैं फिगर निकालने जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना मेरी बात पे, लेजर ध्यान दो। एक्चुअली आसान है, सिर्फ स्टार्टिंग में आपको लगेगा क्या कर रहा हूं मैं, एक बार आपको आदत हो गई तो दिक्कत नहीं है, थोड़ा बड़ा ही कर लेता हूं ना, सॉरी क्या गड़बड़ हो रही, सॉरी ये देखो यहाँ ऐसे निकाल लेता हूँ, यहाँ से एक ऐसी एक लाइन, ठीक है, चलो अब ये देखो, अब यहाँ से अगर मैं ये निकाल लूँ तो ये हो गया मेरा ट्रायंगल ए बी और यहाँ आर, सर ये क्या हो गया, ये क्या किया आपने, देखो समझ रहा है, यहाँ वो दे दो हमेशा देते वैसे वो यही आपका वो आएगा, ठीक, चलिए अब आगे देखें, तो ये हो गया बेटा आपका रेशियो, ये पूरा का पूरा हो गया एम, ठीक है, और ये छोटा सा पार्ट जो हो गया ये हो गया एम, ठीक है, ये हो गया ए बार, ये हो गया बी बार और ये हो गया आर बार, चलो क्लियर, हाँ यहाँ तक क्लियर होना चाहिए बेटा। वापस से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ मैं, वॉच देखिए इधर, ठीक है, देखिए पिछले इसमें क्या था, इस तरीके से ट्रायंगल लेते थे, आर अंदर आता था, ठीक है, इस बार आर बाहर ले लिया क्योंकि एक्सटर्नली डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन बोला गया, ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन यानी बाहर से जो एक पॉइंट है वो बाहर से आर पॉइंट, ये बाहर से कर रहा है, ठीक है, डिवाइड ए बी के एक्सटर्नल, देखो ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो एम स्क्वायर, मतलब ये पूरी कॉर्ड एम और ये एम एम स्क्वायर के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ऐसा बोला गया है, ठीक है बेटा, समझ रहे हो, ये पूरी जो लाइन है ये एम और ये छोटा सा भाग एम, ठीक है, चलो तो अब ये तो ऑलरेडी वेक्टर ही है, ये सारे वेक्टर्स ही है, ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं रूप में बेटा, रूप बहुत आसान है, ये पिछला रूप बनता है, तो ये आपका टू प्रूफ है, वापस एक बार बता दूँ टू प्रूफ ये है आपका, ठीक है, चलो लिखो अब आगे, ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले पॉइंट आर डिवाइड, वही से लिखना है, यहां से लिखना है थोड़ा, पॉइंट आर डिवाइड ए बी, ए बी इन द रेशियो एम स्क्वायर एक्सटर्नली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सटर्नली बोलना है, ठीक है, चलो देयरफॉर या लेट लिख दीजिए, लेट ओ ए इज इक्वल टू ए बार, ओ बी इज इक्वल टू बी बार एंड ओ आर इज इक्वल टू आर बार, ठीक है, चलो क्लियर, ये दिक्कत वाली बात नहीं है, ये एक ये दो और ये तीन, ठीक है, चलो क्या तक क्लियर है, हाँ बिल्कुल, अब चलिए अब आगे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर वी कैन राइट, देयरफॉर वी कैन राइट, सो ध्यान देना ए आर अपॉन पी आर, देखो ए आर अपॉन बी आर, गलती से भी ए बी अपॉन बी आर में लिखना, डिवाइड कौन कर रहा है बेटा आर, तो आर तक हमेशा जाना है, जैसे कि इसमें देखो एक मिनट है, जैसे कि इसमें देखो आपने क्या किया था, यहाँ लिखा था ए आर अपॉन बी आर, तो ऐसे ही लिखना है अभी, भले ही अंदर था वो बाहर है फिर भी, ठीक है, कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है, ए बी और सॉरी ए बी नहीं लिखना है, ए आर अपॉन बी आर, ठीक है, चलिए तो ए आर अपॉन बी आर बेटा, ठीक है, चलो एक मिनट थोड़ा सा, हाँ ए आर अपॉन बी आर इज इक्वल टू, ध्यान देना ए आर अपॉन बी आर इज इक्वल टू, ए आर क्या है बेटा पूरा एम पार्ट है, ठीक है, और बी आर क्या है बेटा एम पार्ट है, अब यहाँ कंफ्यूज होना नहीं है, ये देखो ये पूरी वेक्टर है, इसका छोटा सा भाग ये, यानी एम अपॉन एन से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आर में मिल जाएगा, ठीक है, मतलब ये एम का छोटा सा भाग एन है, मतलब अगर मैं इधर बी आर लिखता हूँ, सपोज बी आर यहाँ नहीं है, ठीक है, यहाँ है, तो एम अपॉन एन इंटू बी आर तो हमें यहाँ मिल ही जाएगा ना, तो ये होता है एक्चुअली, ये जो हमारा है ना बचपन से मतलब वेक्टर में सीखते आ रहे हैं पहले से, ठीक है, कि क्या लिखा था ए इज इक्वल टू टी बी बार, तो यही है, तब से वही कर रहे कोलिनियर लाइन के लिए, छोटा सा पार्ट जैसे ए बार होता है उसमें छोटा सा पार्ट बी बार होता है, तो ये अगर पूरा 10 है ये 6 है उसका कुछ रेशो आएगा ना 6/10 यानी कि बी बार अपॉन ए बार, तो इसी तरीके से, ठीक है, कुछ नया नहीं है बेटा, वही लिख रहे हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना है, खुद से थोड़ा सा देखना है, तो बाकी सब मैं बताऊंगा, ठीक है, 2% आपको 98% में देता हूँ, ठीक है, देखो यहाँ ध्यान दो ये बी आर इधर चले गया, ठीक है, या एक काम करते इसे पहले लिख लेते आर बार माइनस ए बार
और यहाँ भी लिख लेते आर बार माइनस बी बार इज इक्वल टू एम अपॉन एन। ठीक है, अब देखो ये एन यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, एन आर बार माइनस एन ए बार इज इक्वल टू एम आर बार माइनस एम बी बार। ठीक है, एम आर बार माइनस एन ए बार, ठीक है, एम आर बार माइनस एम बी बार। ठीक है, अब ये इधर लेके आओ, तो एक काम करो इसे उधर लेके जाओ, इसे मत इधर लेके आओ। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ एम आर बार माइनस एन आर बार। ठीक है, एम आर बार ये इधर जाके माइनस, ये इधर माइनस, इधर आके प्लस। ठीक है, तो मैं लिखूंगा एम बी बार माइनस एन ए बार। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ सही है ना, ये इधर और ये माइनस। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो यहाँ से आर बार कॉमन निकाल लो, तो एम बी बार माइनस एन ए बार इज इक्वल टू आर बार इन ब्रैकेट एम माइनस एन। ठीक है, तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ आगे, ध्यान देना मेरी बात पे। एक काम करता हूँ, यहाँ मैं इसे थोड़ा, इसे छोटा करने से अच्छा मैं पूरा ही छोटा कर लूँ। वैसे मैंने बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, जगह होगी आपके लिए। एक बार मैं थोड़ा चेक कर लूँ कि आपको ये ऊपर गया तो दिखता है या नहीं। थेरम दिख रहा है, दिख रहा है, चलो क्लियर है। ठीक है, मैं थोड़ा धीमे धीमे कर रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। ठीक है, अब देखो ये आर बार ऐसे रहने दो। ठीक है, एम बी बार माइनस एन ए बार अपॉन एम माइनस एन, ये एम माइनस एन नीचे हो गया। ठीक है, चलो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका थ्योरम प्रूफ। ठीक है, तो ऐसे ही करना है जैसे पिछला था वैसा ही है, सिर्फ यहाँ थोड़ा सा फर्क आ गया, ये बाहर था ना पॉइंट इसलिए। ठीक है, तो यहाँ ऑलरेडी वो प्लस माइनस एडजस्ट हो जाता है, आपको सिर्फ सही से लिखना है। ए आर लिखने के बाद बराबर बी आर लिखना है डायरेक्शन, या गलती से आर भी लिख दोगे ना तो यहाँ पिछला माइनस अगले के चक्कर में बी माइनस आर आ जाएगा, फिर से पॉजिटिव आएगा, फिर कॉन्ट्रेडिक्ट करेगा आपको। है ना, वेक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है वो रखनी है डायरेक्शंस लिखते समय। ठीक है, डायरेक्शंस की गलती बहुत महंगी पड़ सकती है। ठीक है, बहुत बार मुझे भी पड़ी है, मैं जब स्टार्टिंग में वेक्टर कर रहा था, जब भी मैंने किया है अपने टाइम की, उसमें डायरेक्शंस से बहुत गलतियां होती है, इतनी गलतियां होती है कि समझ में नहीं आता गलती कहां हो गई। इसीलिए डायरेक्शंस को बिल्कुल सेट करके रखना, डायरेक्शंस में अच्छी हाथ पकड़ करनी चाहिए, फिर बाकी तो वेक्टर्स आसान है। ठीक है, चलिए इतना नोट कीजिए, उम्मीद है मुझे मैं आपको ये दो तीन थ्योरम अच्छे से समझा पाया। ठीक है, नोट कीजिए इसे। ठीक है, चलिए नोट कीजिए 1, 2 एंड 3। तो ठीक है बच्चों, यहां हमने इस लेक्चर में भी दो थ्योरम कर दिए, पहला थ्योरम, फिर उसके बाद मिड पॉइंट फार्मूला भी बता दिया, एक बताया सेक्शन फार्मूला इंटरनली, फिर मिड पॉइंट फार्मूला और फिर सेक्शन फार्मूला एक्सटर्नली। ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन। तो अब यहां इसे समाप्त करते, इसके बाद का वीडियो जरूर देखना, 6-7 मिनट का है, 10 मिनट का भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कितने का बनेगा, फिलहाल तो मैंने बनाना है। ठीक है, तो इसी के बाद इसके साथ ही अपलोड करूंगा, वो भी जरूर देखना है। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे बच्चों, स्टडी दिन के साथ बने रहे और प्रैक्टिस करे, जम के प्रैक्टिस करे क्वेश्चंस की। सॉरी, जय हिंद, जय भारत।